हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीकेंड था और सैटरडे का दिन टाइम हो गए थे 12:30 और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, जो कि स्कूल में अरेंज हुआ था कार्निवल। एंड हमारे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो मॉर्निंग में ही स्कूल बस में चले गए थे। एंड देन अब हमें जाना है, कार्निवल अटेंड करना है एंड बच्चों को पिकअप करना है। तो हम स्कूल पहुंच गए। आप देखेंगे काफ़ी सारी पेरेंट्स आए थे, तो पार्किंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू हो गया था, तो हमने यहाँ पर पार्क कर लिया है। एंड अब हम जा रहे हैं चल के बच्चों के स्कूल में। तो यहाँ स्कूल में पहुंच चुके हैं एंड देखिए बलून से डेकोरेट किया गया है एंट्रेंस। तो मेरे बच्चे जाते हैं ड्यून्स इंटरनेशनल स्कूल अलकोबर, बहुत ही अच्छा स्कूल है। एंड एंटर करने के बाद हम आदित्य के स्टॉल में आ गए थे और ये आदित्य ने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए थे मॉर्निंग में। तो कार्निवल मींस फन एंड फेयर। तो यहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे, लाइक चाट, पकौड़े, टी, कॉफ़ी, सैंडविच, बिरयानी एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ें थी। तो सब फूड स्टॉल्स थे। एंड देन हमने लिया था समोसा चाट और हम समोसा चाट खा रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी मिल गए थे हमें कार्निवल में। तो मैं तो प्लान करके गई थी कि सारा कुछ वीडियो अच्छे से शूट करूँगी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हम खुद ही भूल गए कि हमें कुछ वीडियो बनाने हैं। तो हम तो कार्निवल एंजॉय करने में लग गए। बच्चों ने अपना स्टॉल बंद कर लिया था हमारे जाने के बाद, क्योंकि हम भी एंजॉय करना चाहते थे कार्निवल। तो बहुत सारे गेम्स खेले हमने, आदित्य ने भी और भरत ने भी बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ पर आदित्य खा रहे हैं आइसक्रीम। मैंने ये रिंग वाला गेम खेला था बट मैंने कोई प्राइज़ नहीं जीता। इस रिंग को फेंकना था कि ऊपर रिंग चला जाएगा, वो आपको प्राइज़ मिल जाता, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं विन किया मैंने। पर आदित्य वेट कर रहे हैं अपने चांस के लिए। ये है फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड से हमें पकड़ना था डक्स। तो आप देखेंगे काफ़ी सारे पेरेंट्स आए थे, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही है और बच्चे भी हैं, तो सब इंजॉय कर रहे थे। हमने भी बहुत इंजॉय किया फन एंड फेयर में। तो यह एनुअली स्कूल अरेंज करती है, तो बहुत ही मज़ा आता है, एक्साइटिंग होता है। और यहाँ पर है कुछ बाइक्स जो डिस्प्ले में रखे थे। यहाँ पर हम जाके लाइक बच्चे जाके उसमें बैठ के फ़ोटो खींच रहे थे एंड वीडियो बना रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि जस्ट ऐसे ही आपको बता देती हूँ। इतने सारे बाइक्स भी डिस्प्ले पे रखे हुए थे। तो आदित्य का नंबर आ चुका है एंड आदित्य अब फिशिंग कर रहे हैं, डक्स पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें टाइमर दिया गया था 1 मिनट का, तो वो हमें 1 मिनट में मिनिमम 3 डक्स पकड़ने थे। तो मैं आदित्य से कह रही थी काफ़ी कंसंट्रेट करके पकड़ो, बट 1 मिनट में उसने 6 डक्स पकड़ लिए थे। तो यहाँ पर हमने एक प्राइज़ विन किया एंड काफ़ी जगहों पर हमें भी छोटे छोटे प्राइजेस मिले थे। आदित्य बहुत ही एक्साइटेड था गिफ्ट्स के लिए एंड वो गिफ्ट्स मैं आपको अपनी किसी और वीडियो में दिखाऊँगी। ये जो गेम था, ये बॉल को हमें यहाँ से थ्रो करना था, उस होल के थ्रू पास करना था, बट आदित्य इस गेम को क्लियर नहीं कर पाए, तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं जीता। तो फ्रेंड्स, सारे गेम्स खेलने के बाद, स्नैक्स एंजॉय करने के बाद टाइम हो गए थे 3:30, और क्योंकि बच्चे मॉर्निंग से ही स्कूल में थे तो काफ़ी थक गए थे, तो इसीलिए हम अब जा रहे हैं घर।
भरत हमारे साथ नहीं आ रहा है क्योंकि भरत ने अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ और प्लान किया है इवनिंग के लिए, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे। तो मैं, आदित्य और जगत जी, मेरे हस्बैंड, हम लोग घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भरत और आदित्य ने स्टॉल लगाया था उसका वो जो गेम था वो आए थे गाड़ी में रखने के लिए, क्योंकि हमें उसे घर लेके जाना था। तो इस तरीके से सैटरडे हमारा बहुत ही अच्छा बीता। बच्चों के साथ हमने कार्निवल एंजॉय किया एंड अब हम जा रहे हैं घर। लेकिन घर जाने के हम डायरेक्ट घर नहीं गए थे, हम गए थे खोबर कॉर्निश में। थोड़ा आदित्य को भी ऐसे लग रहा था कि भरत अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, तो इसीलिए हम उसे कॉर्निश लेके गए थे घुमाने के लिए। एंड उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी वो वाला क्लिप। एंड चलिए फिर इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।